हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है। वैसे तो मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, बट इस छोटी सी क्विक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आजकल की जो स्थिति बाहर चल रही है उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। पहली बात जो है वह ब्लड डोनेशन के ऊपर, और दूसरी बात जो है वो है कि कैसे आप घर बैठे बैठे किसी एक जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं ब्लड डोनेशन की। तो यार, रिसेंटली अभी मैं एक TOI में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि यार जो ब्लड डोनेशन काउंसिल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वैक्सीन लगवाते हो उसके 28 डेज तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो वहां पे कुछ डॉक्टरों ने अपनी चिंता जताई है कि अगर ब्लड डोनेशन नहीं हुआ तो उनकी जो प्लान सर्जरी होंगी या बहुत सारे स्टक पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कि हमारा सिस्टम स्टक हो सकता है। तो वो अपील कर रहे हैं यूथ से कि आप वैक्सीन लगाने से पहले पहले ब्लड डोनेट कर ले। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो या आपका कोई प्लान है ब्लड डोनेशन का, तो आप प्लीज वैक्सीन लगाने से पहले पहले उसे कर लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है कि कैसे आप किसी की घर बैठे बैठे मदद कर सकते हैं। तो यार, आप जहां भी हो, जिस स्टेट के हो या जिस सिटी पे भी आप हो, वहां के लोकल ग्रुप्स जो होते हैं ना, फेसबुक ग्रुप्स हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, जो भी ग्रुप्स हो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बस दिन में 1 घंटा निकाल के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, या जब भी आपके पास टाइम हो सोशल मीडिया, फेसबुक की स्टोरीज या व्हाट्सएप की स्टोरीज आप देखिए, कोई बंदा कहीं पर हेल्प के लिए तो नहीं स्टोरी डाला हुआ है या फिर पोस्ट तो नहीं डाला हुआ है। आपको क्या करना है, बस उसको एक बार वेरीफाई कर लेना। फोन आजकल फ्री होते हैं, व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप इंटरनेट फ्री होता है। तो आपको सिर्फ एक मैसेज डालना है कि यार आपको अब भी जरूरत है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि जरूरत है, आपको उस मैसेज को एम्पलीफाई कर देना है, उन ग्रुप्स में शेयर कर देना है। तो उससे क्या होगा कि दोस्तों, आजकल अगर आप कोई भी मैसेज शेयर करते हो अर्जेंट नीड वाला या हेल्प वाला या SOS मैसेज शेयर करते हो, तो लोग उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं। और साथ ही साथ में मैंने नोटिस किया कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जिनकी रीच अच्छी है, वो लोग ऐसे मैसेज देख के उनको अपनी स्टोरीज में शेयर कर दे रहे हैं, जिससे कि उस जो भी जरूरत है उसको जल्दी से जल्दी हेल्प मिल जाए। तो वैसे तो कहते हैं कि भूत भूत से घड़ा भरता है, तो इसीलिए अगर आप कुछ ना करके कुछ कर दें तो हो सकता है कि किसी भी एक जरूरतमंद को हेल्प हो जाए और उसकी जान बच जाए। तो यही था दोस्तों इस वीडियो का मेरा मकसद, कि आप लोगों को ये मैसेज दिया जाए। और बाकी मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मास्क का उपयोग कीजिए। और जैसा भी हो, जितनी भी कोशिश हो, एक दूसरे की मदद कीजिए। ये जो टाइम है वो एक दूसरे की मदद करने का है, और अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए ताकि ये मैसेज हर किसी के पास पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता दी।